हे दोस्तों, चलो आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। आपके हिसाब से क्या वो चीज है जो एक इंसान को दिन भर बिस्तर पे पड़े रहने के बजाय, सोशल मीडिया पे दिन भर टाइम पास करने के बजाय, उसे एक्शंस लेने के लिए मोटिवेट करती है? एक इंसान कैसे मोटिवेट होता है अपने गोल्स पे काम करने के लिए? ना ऑथर का कई सालों तक इसी टॉपिक पे काम करने के बाद भी उन्हें आज भी ये टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग लगता है, बिकॉज इसके पीछे का साइंस काफी सरप्राइजिंग है, इवन फ्रीकी है साइंस आप बोल सकते हो। बिकॉज हम इंसान जितना लोगों को लगता है उतना इजीली मैनिपुलेट नहीं होते हैं, इतने प्रेडिक्टेबल नहीं है। ऑथर बोलते हैं कि मोटिवेशन के तीन टाइप होते हैं। पहला मोटिवेशन 1.0, जो कम्प्लीटली सर्वाइवल बेस होता है, जहां लोग एक्शंस लेते हैं बस सर्वाइव करने के लिए। नाउ ये सबसे ओल्ड मोटिवेशन है, जो सबसे पहले से यूज होता आ रहा है। बट फिर आया मोटिवेशन 2.0, जहां कैरेट एंड स्टिक मेथड यूज होने लगा, जिसे लोग इफ दिस देन दैट मेथड भी बोलते हैं। एग्जांपल, बेटा इफ यू डू योर होमवर्क देन आई विल गिव यू चॉकलेट्स, या अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो फिर मार पड़ेगी, डंडे पड़ेंगे, पेरेंट्स की फेवरेट लाइन में से एक। नाउ ये मोस्ट कॉमन फॉर्म है मोटिवेशन का, पेरेंट्स और बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि कॉर्पोरेट और दुनिया के सभी लोगों के लिए। एग्जाम्पल, अगर तुम अच्छे से काम करोगे, ज्यादा काम करोगे, तो तुम्हें बोनस मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा, नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, इवन फायर कर दिए जाओगे। अब ये मेथड यूजफुल तो है, बट ऑथर बोलते हैं कि हंड्रेड ऑफ स्टडीज करी गई है जिससे पता चला है कि मोटिवेशन 2.0 हमेशा बेस्ट नहीं होता है। चलो एक स्टडी देखते हैं जो MIT में करी गई थी। वहां उन्होंने क्या किया, एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स लिए और उन्हें कुछ चैलेंजेस दिए, लाइक कुछ बंच ऑफ नंबर्स को याद करना, वर्ड पजल सॉल्व करना और दूसरे टाइप्स के पजल्स, इवन फिजिकल टास्क दिए गए, जैसे बॉल को बास्केट में डालना एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नाउ इससे रिलेटेड उन्होंने प्राइजेस भी रखे कि लाइक जो इंसान थोड़ा अच्छा करेगा उसे कम पैसे दिए जाएंगे, जिसने मीडियम परफॉर्म करा उसे मीडियम रिवॉर्ड्स, और जो बहुत अच्छा करेगा उसे मैक्सिमम कैश प्राइस दिया जाएगा। नाउ ये चीज आपने रियल लाइफ में भी बहुत बार देखी होगी, एम्प्लॉयज जो अच्छा काम करते हैं उसे कंपनी ज्यादा पैसा देती है, इंसेंटिव वाली चीजें काइंड ऑफ इसी से सिमिलर है, लाइक जो खराब करता है उसे कंपनी बुरा बोलती है, निकाल देती है, जो बहुत अच्छा करता है उसे रिकॉग्निशन मिलता है, और जो मीडियम काम करता है कभी उसकी कोई बात नहीं होती है। नाउ ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद रिसर्चर्स को काफी इंटरेस्टिंग चीज देखने मिली। उन्होंने देखा कि जब तक टास्क मैकेनिकल स्किल से रिलेटेड था, सिंपल था, तब तक बोनस रिवॉर्ड ये वाली टेक्निक्स बहुत अच्छे से काम कर रही थी। बट जैसे ही टास्क थोड़ा भी कॉम्प्लेक्स हुआ, अगर लोगों को क्रिएटिविटी थिंकिंग वाला काम दिया गया, जिसे रूडिमेंटरी स्किल्स भी बोलते हैं, वो दिया जाता था, तब बोनस रिवॉर्ड्स देना एक्चुअली अच्छा नहीं बल्कि लोगों के परफॉर्मेंस को खराब करने लगा। नाउ ये चीज ने रिसर्चर्स को काफी कंफ्यूज कर दिया कि ऐसे कैसे। नाउ देखो, ये एक्सपेरिमेंट इकोनॉमिस्ट ने किया था, जो सब टॉप थे अपने फील्ड के। उन्हें काफी शॉक लगा क्योंकि ये उनकी पढ़ाई से एकदम अपोजिट था। उन्होंने सीखा था कि हायर रिवॉर्ड देना मतलब हायर परफॉर्मेंस, जबकि ऐसा हुआ नहीं, इसीलिए उन्हें ये नॉलेज अजीब लगी। सो फिर उन्हें लगा कि चलो हो सकता है कि ये जगह सही नहीं है, अमेरिका में लोगों को इन पैसों की वैल्यू नहीं है, सो चलो इसे किसी दूसरे देश में करते हैं जहां उस अमाउंट की, उस रिवॉर्ड की वैल्यू बहुत ज्यादा है। सो गेस व्हाट, फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंट कहां करा, इंडिया में। वो मदुरई इंडिया, मतलब रूरल इंडिया गए, जहां उस अमाउंट की वैल्यू बहुत ज्यादा थी। सो वहां क्या हुआ कि जो अच्छा काम करेगा उसे 2 हफ्ते की सैलरी मिलेगी, जो मीडियम करेगा उसे 1 महीने की सैलरी रिवॉर्ड मिलेगी, जबकि अच्छा काम करने वालों को 2 महीने की सैलरी का रिवॉर्ड मिलेगा। बट यहाँ भी रिजल्ट्स अजीब थे। यहाँ ऐसा रिजल्ट आया कि मीडियम और स्मॉल रिवॉर्ड वाले लोगों ने एकदम सिमिलर परफॉर्मेंस दिया, कोई डिफरेंस नहीं दिखा पैसों की वजह से, जबकि हाई रिवॉर्ड वालों ने वर्स्ट परफॉर्म किया। और ये चीज बस एक दो बार की बात नहीं है, ये सेम एक्सपेरिमेंट्स हमेशा कई बार करे गए हैं जहाँ यही रिजल्ट देखने मिले, जिसने कंक्लूड करा कि मोटिवेशन 2.0 इतना बेस्ट स्ट्रेटजी नहीं है लोगों को मोटिवेट करने के लिए, खुद को मोटिवेट करने के लिए। नाउ कम्स मोटिवेशन 3.0। टॉम सॉयर ने अपनी बुक में एक इंसिडेंट शेयर करा था जो इस मोटिवेशन को कवर करता है। देखो, एक बार क्या हुआ कि सॉयर को अपने घर की आजू बाजू की फेंसेस को कलर करना था। उन्हें वो काम दिया गया था जो उनका करने का जरा भी दिल नहीं था, बट फिर भी वो कर रहे थे। सो फिर जब उनके दोस्त उनके पास आए उन्हें बुलाने के लिए कि चलो हम कहीं जाते हैं, मजे करते हैं, काम बाद में कर लेना तुम, तो यहाँ सॉयर ने एक इंटरेस्टिंग चीज करी। उन्होंने अपने दोस्तों से कहा कि तुम लोग पागल हो क्या, ये काम थोड़ी ना है, ये तो मैं मजे के लिए कर रहा हूँ, सच ये कलर करने बहुत मजा आ रहा है, एक बहुत फन एक्टिविटी है। और ऐसे ही उन्होंने फेंस को कलर करने को एक बहुत ही कूल चीज बना दी, जिसकी वजह से फिर उनके फ्रेंड्स ने उन्हें खुद से पैसे दिए उनकी ही फेंस को कलर करने के लिए। है ना कमाल की बात। नाउ वेल, इतनी अमेजिंग चीज हुई बिकॉज टॉम ने उनके दोस्तों को इंट्रिंसिक मोटिवेशन दी, मोटिवेशन 3.0 का यूज करा उन्हें मोटिवेट करने के लिए, जो अंदर से पैदा होता है कोई भी काम करने के लिए। नाउ ऑथर बोलते हैं मोटिवेशन 3.0 बेस्ट होता है मैक्सिमम टाइम अपने आप को और दूसरों को मोटिवेट करने के लिए, जबकि कई बार बस पैसों से रिलेटेड मोटिवेशन इसका अपोजिट रिएक्ट करता है, बिकॉज वो सबकॉन्शियसली दिमाग में ये बात डालता है कि काम इतना टफ है, बोरिंग है, कि उसे करने के लिए मुझे पैसे दिए जा रहे हैं।
जबकि फन काम करने के लिए तो लोग खुद से पैसे देते हैं। इसीलिए इंट्रिंसिक मोटिवेशन एक्सटर्नल मोटिवेशन से बहुत बेटर होता है कई बार। नाउ साइंस बताती है कि तीन फैक्टर्स होते हैं जो एक इंसान को मोटिवेशन 3.0 यूज करने में बहुत हेल्प करते हैं। इंट्रिंसिक मोटिवेशन लाने में, जो बेटर परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्शन अचीव करने में लोगों की हेल्प करता है, और उसे आप एम्प एक्रोनिम से याद रख सकते हो, क्योंकि वो तीन फैक्टर्स है, नंबर 1 ऑटोनॉमी, 2 मास्टरी और 3 पर्पस। फर्स्ट ऑटोनॉमी देखते हैं। देखो, ऑटोनॉमी का अपोजिट होता है कंट्रोल में रहना किसी के। सो ऑटोनॉमी मतलब हुआ खुद से खुद की जिंदगी जीने का कंट्रोल अपने पास होना, डिजायर होना अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में रखने का। नाउ मैक्सिमम कंपनीज एम्प्लॉयज को रोबोट की तरह ट्रीट करती है। हर एक चीज उन्हें एक्जैक्टली बताई जाती है कि ऐसा 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 करना चाहिए, और जरा भी गाइडलाइन से अलग नहीं होना चाहिए। नाउ ऑथर बोलते हैं कि ये चीज कंप्लायंस के लिए तो अच्छी होती है, बट अगर आपको एम्प्लॉयज से ट्रू एंगेजमेंट चाहिए तो आपको उसे थोड़ी ऑटोनॉमी तो देनी ही चाहिए। एग्जाम्पल, अटलासियन एक ऑस्ट्रेलियन सॉफ्टवेयर कंपनी थी जो काफी कूल चीजें करती थी। वो क्या करते थे कि हर क्वार्टर में एटलीस्ट एक बार 24 घंटे के लिए वो अपने सभी डेवलपर्स को फ्रीडम देते थे कि तब वो जो चाहे, जिस चीज पे चाहे, जैसा चाहे वैसा काम कर सकते थे। बस एंड में उन्हें रिजल्ट्स दिखाने होंगे 24 घंटे बाद कि उन्होंने क्या किया, जिसे वो एक फन मीटिंग में डिस्कस करते थे पार्टी जैसा करके, जिसका रिजल्ट ऐसा होता था कि वो बस 24 घंटे में मैक्सिमम एम्प्लॉयज कई सारे बग्स फिक्स कर देते थे, प्रॉब्लम सॉल्व कर देते थे, नए नए इनोवेटिव आइडियाज लेके आ जाते थे, जो सारी चीजें काफी डिफरेंट और अनबिलीवेबल रिजल्ट्स दिखाती थी। नो ऐसी आप भी 5 चीजों में अपने आप को थोड़ा फ्रीडम दे सकते हो, स्पेशली 5 T's में। 5 T मतलब फर्स्ट टाइम, 2 टास्क, 3 टेक्निक, 4 टीम और 5 टेक्नोलॉजी। देखो, ये जो कोरोना वायरस का टाइम आया है उसमें आपकी फ्रीडम कम तो हुई है, बट फ्रीडम बढ़ भी गई है, स्पेशली इन 5 T's का यूज करने के लिए। पहले आपका टाइम, आपके टास्क, टेक्निक और सारी चीजें ज्यादातर दूसरों के कंट्रोल में रहती थी, बट अब मैक्सिमम लोगों के पास ये सारी चीजें कंट्रोल करने का टाइम है जो वो घर में बैठे बैठे कर सकते हैं। तो इसी फ्रीडम का यूज करो और अपने हिसाब से, अपने रूल्स के साथ काम करना स्टार्ट कर दो अपने गोल्स पे। कौन क्या बोल रहा है उन सारी बातों को भूल के सब चीज अपने हिसाब से करके देखो ये 5 T's के अंदर, बिकॉज ये चीज आपको फिर मोटिवेट करेगी। 2 मास्टरी। हम सब के अंदर एक अर्ज होती है बेटर होने की, किसी एक स्पेसिफिक स्किल को बेटर करने की। इसलिए ही आप देखोगे तो लोग फ्री टाइम में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं, बिना पैसे मिले काम करते हैं। एग्जांपल, इमेजिन करो एक बिजनेस मॉडल, ऐसा बिजनेस जिसमें दुनिया भर से बहुत टैलेंटेड स्किल्ड लोग मिलकर काम करेंगे एक हाईली स्किल्ड रिक्वायर्ड प्रोजेक्ट पे, बट वो इस काम को करने के लिए पैसे नहीं लेंगे। वो हफ्ते के 20 से 30 घंटे लगाएंगे, फ्री में काम करेंगे, और बस इतना ही नहीं, काफी सारी मेहनत के बाद जब वो चीज क्रिएट हो जाएगी, प्रोडक्ट क्रिएट हो जाएगा, तो फिर वो लोगों को बेचेंगे नहीं बल्कि उन्हें फ्री में वो दे देंगे, और सच इसी से एक ह्यूज कंपनी क्रिएट होगी। अब नॉर्मली ये चीज मैं किसी मनी माइंडेड इंसान को बोलूंगा तो वो मेरे ऊपर हंसेगा, मुझे पागल बोलेगा, पर सच तो ये है कि ऑलरेडी जो मैं बोल रहा हूँ वो करा गया है और करा जा रहा है। एग्जाम्पल, लिनक्स आज कई सारी फॉर्च्यून 500 कंपनीज के सर्वर्स को संभाल रहा है, विकिपीडिया और ऐसे इसके कई सारे एग्जाम्पल्स है। एक और एग्जाम्पल दू तो, मेरा पार्टनर है जो स्टैक ओवरफ्लो की काफी तारीफ करता है, क्योंकि वहां पे कई एक्सपर्ट्स लोग फ्री में कई घंटे इन्वेस्ट करके लोगों के कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। बट व्हाई, लाइक क्यों लोग ऐसा करते हैं बिना पैसे मिले? एक्सपर्ट्स लोग जो हाई प्रोफाइल जॉब करते हैं वो साइड में फिर इतना टाइम निकाल के काम क्यों करते हैं? लाइक प्योर इकोनॉमिस्ट के लिए ये चीज तो काफी अजीब है। वेल, इसका आंसर है, लोग ऐसा करते हैं बिकॉज उन्हें चैलेंज और मास्टरी ये चीज फील होती है ऐसा करने से, प्लस उन्हें एक सेंस ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन फील होता है। सो जो सेकंड चीज है मोटिवेशन 3.0 की, वो ये है कि मास्टरी अचीव करना, और मास्टरी अचीव करने के 3 लॉस होते हैं। फर्स्ट, मास्टरी इज अ माइंडसेट। कैरल ड्वेक ने अपनी बुक में बताया है ग्रोथ माइंडसेट, इंक्रीमेंटल माइंडसेट के बारे में। ये याद रखो कि आपका स्किल, टैलेंट और आपका दिमाग कुछ भी फिक्स्ड नहीं है, और आप उसे जितना चाहे उतना इंप्रूव कर सकते हो एफर्ट्स के साथ। ये माइंडसेट रखना मास्टरी का सबसे पहला रूल है। सेकंड, मास्टरी इज पेन। मास्टरी अचीव करना आपको पेन देगा। एक ही चीज बार बार करना, हमेशा प्रैक्टिस करते रहना, कंफर्ट जोन से बाहर जाना, सब पेन देगा, बट वो मास्टरी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसलिए उसे छोड़ने का मत सोचो। थर्ड, मास्टरी इज असिम्प्टोट्स, मतलब एक सिंगल लाइन और एक कर्व लाइन जो बहुत नजदीक तो आएगी बट कभी मिलेगी नहीं। मास्टरी कभी भी फुल्ली अचीव नहीं करी जा सकती, क्योंकि हमेशा आपके लिए एक नेक्स्ट लेवल होगा ही होगा लाइफ में। नाउ आते हैं एम के थर्ड चीज, पर्पस। आज आप देखोगे तो मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन बस पैसा अपना मोटिवेशन नहीं बनाते, बल्कि वो पर्पस को अपना विजन बनाते हैं। वेल, ऐसा करते हैं बिकॉज ये चीज ही लोगों को हर दिन काम पे जाने के लिए एनकरेज करती है, ये चीज उन्हें बेटर टैलेंट देती है। जबकि बस पैसा अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का एम होता है तो इससे कई बार बुरी चीजें बाहर आती है,
लाइक खराब प्रोडक्ट, खराब सर्विस, अनइंस्पिरेशन और धोखेबाजी। इसलिए मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन बस पैसे को एम नहीं रखती, बल्कि एक हायर पर्पस को अपना एम रखती है, जो फिर उन्हें हायर लेवल का काम करने भी अचीव करने में हेल्प करती है। एग्जाम्पल, स्काइप के फाउंडर बोलते हैं कि उन्हें एक डिस्ट्रप्टिव चीज तो बनानी है, बट ये उन्हें करना है वर्ल्ड को एक बेटर प्लेस बनाते हुए। स्टीव जॉब्स बोलते थे कि मुझे एक डिंग मचाना है यूनिवर्स में, मतलब हलचल मचानी है यूनिवर्स में। एप्पल में वो स्टेटस को चैलेंज करते थे। नौ ऐसे ही कुछ पर्पस होते हैं जो लोगों को हर सुबह उठ के काम पे जाने के लिए एक्चुअल में मोटिवेट करता है, बल्कि पैसा नहीं, समथिंग बिगर देन देमसेल्व्स। और पर्पस के भी दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। फर्स्ट बड़ा क्वेश्चन, देखो जेएफ कैनेडी के एडवाइजर ने उन्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली थी कि आपको क्या चाहिए या आपको एक लाइन में बोलने आना चाहिए, क्योंकि हर ग्रेट लीडर ये करता है हमेशा। एग्जाम्पल, अब्राहम लिंकन की लाइन ये थी कि उन्होंने यूनियन को बचाया और स्लेव्स को फ्री करा। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट की लाइन ये थी कि उन्होंने वॉर जिताई और अमेरिका को डिप्रेशन से बाहर निकाला। ऐसी आप भी एक सेंटेंस में अपने पर्पस को बोलना सीखो, और यही आपका पहला बड़ा क्वेश्चन भी है कि आपकी वो एक लाइन क्या है, आपका एक बड़ा पर्पस। और सेकंड स्मॉल क्वेश्चन कि आज आप एक छोटा काम क्या कर सकते हो अपने आप को बेटर करने के लिए, उस पर्पस को पूरा करने के लिए। देखो एट द एंड ऑथर बोलते हैं कि अगर हम लोगों की तरह ट्रीट करना स्टार्ट कर दे, ना कि जानवर की तरह जिसे या तो छड़ी से मारो या तो खाने से अट्रैक्ट करो, हमेशा ऐसी चीजों से मोटिवेट होने के बजाय हम एक्चुअल में अगर अपने पैशन से मोटिवेट होंगे और दूसरों के अंदर पैशन क्रिएट करेंगे, तो ये चीज एक्चुअल में उन्हें मोटिवेटेड रखेगी हमेशा काम करने के लिए। इसलिए हमेशा पैशन पर्पस को याद रखते हुए मास्टरी अचीव करने का सोचो एंड ऑटोनॉमी पे फोकस करो। यही चीज सबसे मेन होती है मोटिवेशन के लिए। नाउ देखो, मोटिवेशन 3.0 लाने का बेस्ट तरीका है अपने पैशन पे काम करना, क्योंकि पैशन ही आपको मेन पर्पस देता है लाइफ जीने का। वो आपको मास्टरी अचीव करने में हेल्प करता है, क्योंकि अगर आप अपने पैशन पे काम करोगे तो आप उसे बार बार लगातार कर सकते हो बिना बोर हुए या क्विट करे। और जब आप पैशन पे काम करते हो तब आपके पास ऑटोनॉमी भी ज्यादा होती है, आप अपने हिसाब से चीजों को करते हो क्योंकि वो आपको पसंद है, ना कि बस जैसा सामने वाला बोल रहा है वैसा। इसलिए मेरे हिसाब से अल्टीमेट यही है कि आप अपने पैशन पे काम करो, और अगर आपको आपका पैशन नहीं पता है कि क्या है तो फिक्र मत करो। इसलिए ही मैंने एक कोर्स भी बनाया है जो आप seeken.org/passion से जाके ले सकते हो। इस कोर्स से आपको पता चल जाएगा कि आपका पैशन क्या है, और अगर आपको ये कोर्स पसंद नहीं आता है तो आप पैसे वापस ले सकते हो 7 दिन के अंदर। सो अभी के लिए बस इतना ही। लाइक करें अगर आपको ये बातें काम की लगी, कमेंट करके बताएं कि आपको क्या चीज मोटिवेट करती है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मैं ऐसी बुक समरीज हर संडे को फ्री में डालता रहता हूँ। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।